नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस सप्ताह की पांच बड़ी खबरें। बीएसएनएल के लगभग 2.25 करोड़ कर्मचारियों को बिना वेतन होली मनाना पड़ा। आर्थिक तंगी से जूझ रही एक महिला कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अधिकारियों पर आरोप लगा रही है। कोई पैसा नहीं देगा मुझे, ठीक है, मांगूंगी तो भी कोई नहीं देगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, सबके बच्चे खवा रहे हैं, इसलिए सब चुप बैठे हुए, मैं कहां से करूं। लेकिन कंपनी लगातार घाटे पर जा रही है और कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि मोदी सरकार अंबानी के जियो को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल को आर्थिक तंगी से उबारने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसा ही कुछ हाल एचएएल का था। एचएएल के भी कर्मचारियों को बहुत समय से वेतन नहीं मिला, इसकी शिकायत आती रही है। और कंपनी का यह उस कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी को केंद्र सरकार बेचने की साजिश रच रही है। यह तो रही सरकारी कर्मचारियों की बात, आप कुछ निजी क्षेत्र के श्रमिकों की बात करते हैं जिनके अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। गुड़गांव में होली के ठीक पहले दो कंपनियों में तालाबंदी हो गई और सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। निमराना की डाइकिन फैक्ट्री के मजदूर भी होली के दिन अनशन पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर। उसी तरह उत्तराखंड के रुद्रपुर में जो माइक्रोमैक्सी कंपनी बंद हुई थी, तालाबंदी हुई थी, उसके सैकड़ों मजदूर भी धरने पर बैठे रहे। झारखंड से एक दिलचस्प खबर आई है कि मैं भी चौकीदार के अभियान में, मोदी के अभियान में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार, मैं भी चौकीदार लगा लिया। खबर ये आई है कि वहाँ के 10,000 राज्य के 10,000 गार्डों को वेतन नहीं मिला है। ठीक होली के दिन गुड़गांव में एक मजदूर परिवार पे कुछ गुंडों ने हमला किया और बेरहमी से उनकी पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भुखमरी के कगार पर पहुंचे चाय बागान के श्रमिकों ने ऐलान किया कि यदि बागान नहीं खुलता और बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तो वे इस बार लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसमें 3,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, उनके कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं मिला, जिसके लिए वह हड़ताल पर हैं। जिस सरकार के पास 3,000 करोड़ रुपये मूर्ति बनाने के लिए है, अब देखिए उसके पास 300 रुपये नहीं है मजदूर को देने के लिए। चीनी मीडिया के मुताबिक वहाँ के केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से 44 लोगों की जान चली गई है और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। चीन में लगातार पूंजी का दबाव बढ़ता रहा है, पूंजी का निवेश हुआ है और इस तरह के हादसे लगातार बढ़े हैं। लगातार कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन चीन की जो तरक्की हुई है, जो आर्थिक विकास हुआ है, उसमें ऐसे मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है। इसी के साथ आज का बुलेटिन नहीं समाप्त होता है। आप वर्कर्स यूनिटी से जुड़े रहे और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। मजदूरों की खबरों से जुड़े रहने के लिए और उनकी खबरों जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इस वर्कर्स यूनिटी के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।